हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरे पास 32 इंच का एलईडी टीवी है और ये तोशिबा नाम से है। तो हम इसमें अभी लाइन देंगे और इसमें हम पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे कस्टमर का तो कहना है कि इसमें लाइट नहीं आ रहा है, मतलब आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है, लाइट पिक्चर पर कुछ नहीं आ रहा है, पिक्चर नहीं आ रहा है। तो इसमें हम स्टैंड बाय रिलीज कर दिए और यहाँ पर बैक लाइट में हमें कोई भी ग्लोइंग नहीं दिखाई दिया। तो इसे पता चल रहा है कि बैकलाइट में प्रॉब्लम होगा। देखिए, इस पर हल्का भी ब्लू ब्लू भी नहीं आ रहा है, जो हम समझे कि बैकलाइट जल रहा है अंदर से। तो ये बैकलाइट का ही प्रॉब्लम हो सकता है और फिर ये सर्किट का ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इस टेस्टर से पहले हम बैकलाइट चेक कर लेंगे, इसका बैकलाइट ख़राब है या फिर सर्किट में प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम होगा उसका फिर निदान निकाला जाएगा। तो चलिए, ये हम बैकलाइट टेस्टर से हम इसको चेक करेंगे, बैकलाइट सर्किट में प्रॉब्लम है या फिर कहाँ प्रॉब्लम है, ये पता चल जाना चाहिए। ये देखिए, मैंने इसको फंसा करके छोड़ दिया और अब हम इसमें लाइन देंगे। बैकलाइट टेस्टर में लाइन दे दिए, ये 300 वोल्ट तक काम करता है। तो देखिए, इसमें अगर बैकलाइट जल जाता तो यहाँ पर वोल्टेज ये लोड ले लेता। अभी 300 वोल्ट दिख रहा है क्योंकि इसका बैकलाइट नहीं जला। तो बैकलाइट स्ट्रिप कहीं ना कहीं ख़राब है, कोई स्ट्रिप ख़राब होगा इसका, जो भी 3-4 लगा होगा उसमें से एक स्ट्रिप ख़राब होगा या फिर 2 ख़राब होगा, जो होगा। चलिए हम खोल देंगे, यहाँ से साइड से आराम आराम से खोलेंगे इसको, कवर का ऊपर का जो भी होता है, और ग्लास अच्छे से निकालेंगे। तो देखिए, हम पूरा वीडियो बताएंगे अभी कैसे। जहाँ देखिए, ये सब स्क्रू पर टाइट किया हुआ है, अलग से लगा करके इसको भी निकालना होगा। चलिए हम खोलते हैं इसको। और जो नए लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कैसे खोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ बैकलाइट अगर बदलने की बात आती है तो फिर रिस्क होता है थोड़ा सा, कि कहीं ऊपर का कवर जो हटाने के क्रम में कहीं ग्लास क्रैक ना हो जाए, टूट ना जाए, ये हल्का रिस्क होता है, पर काम करते करते ये अभ्यास बन जाता है। तो हम भी पहले डरते थे खोलते खोलने से, लेकिन अब कोई डर वैसा नहीं लगता है, टूट जाएगा ग्लास या कुछ होगा। चलिए हम इसको खोलते हैं, खोल दिए नट और फिर इसको साइड से हल्का। तो फ्रेंड्स, इसको हल्के से साइड से खोल लेना है, एकदम बारीकी से खोलना है, ध्यान से कहीं ग्लास पर लग ना जाए। तो इसको मैंने देखिए, इसको ऊपर का जो कवर होता है इसका मैंने हटा दिया। अब ये जो है इसको भी हटा दिया मैंने, ऊपर का जो था, ये देखिए, ये जो है इसको भी ऐसे ऐसे करके हटा लेंगे। पहले ऊपर का कवर हटाएं, फिर ग्लास हटाएं, शीशा, डिस्प्ले पैनल, और फिर उसके अंदर ये फिर एक कवर बना रहता है, उसको भी मैंने निकाल दिया। और अभी जो ये जो भी इसका रहता है, इसको निकाल दिए। अब देखिए, तीन स्ट्रिप इसमें लगा हुआ है, इस तीन स्ट्रिप में से अब चेक करेंगे कौन सा ख़राब है या सभी के सभी ख़राब है। तो हम बैकलाइट टेस्टर से इसको टेस्ट करके पता करेंगे कि कौन सा हमारा स्ट्रिप ख़राब है। तो चलिए, लाइन दिए बैकलाइट टेस्टर का और फिर हम चेक करेंगे अब कि कौन सा स्ट्रिप ख़राब है। इसके बाद हम उस स्ट्रिप को चेंज कर देंगे तो हमारा टीवी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी क्योंकि मैं हर चीज़ नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि फ़ोन अकेले हाथ से पकड़ता हूँ, फ़ोन मोबाइल एक ही हुआ, और एक हाथ से कैमरा चेक करता हूँ।
अभी हम देखेंगे ही कौन सा स्ट्रिप खराब है। माइनस प्लस का टेस्ट पॉइंट बना हुआ रहता है तो उस पर अपना प्रॉड सटाएंगे मल्टीमीटर टेस्टर का। तो देखिए ग्लो हुआ था बीच वाला, फर्स्ट वाला तो ग्लो नहीं हुआ था। ये देखिए यह 17.7 वोल्ट बता रहा है, मतलब 6 एलईडी इसमें लगा हुआ है। तो 6 एलईडी 3 वोल्ट का होगा, 36 18 इसमें से फर्स्ट वाला नहीं ग्लो किया था। और देखिए ये भी ग्लो किया, 17 वोल्ट ये भी दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स लास्ट वाला जो जल रहा है ये फर्स्ट वाला जो था ये ग्लो नहीं किया था, इसका मतलब कि ये स्ट्रिप हमारा ख़राब है। तो हम इसमें दूसरा स्ट्रिप डालेंगे 3 वोल्ट का, 6 एलईडी 3 वोल्ट। तो मेरे पास दूसरा है, इसको पहले ऊपर से स्क्रू दिया हुआ है तो इसको स्क्रू से हम खोल लेंगे तब लगा पाएंगे। और होता क्या है कि बैकलाइट जो होता है स्ट्रिप वो सेम साइज़ का नहीं मिल पाता है, तो कभी कभी काट के भी लगाना पड़ता है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, ब्लेड रखिए एक उसी से अपना काट दीजिए फिर लगा दीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलिए फ्रेंड्स मैंने इसको खोल दिया, अब इसमें स्ट्रिप देखते हैं। ये देखिए पतला वाला लगा हुआ है, मेरे पास जो है इससे हल्का सा ज़्यादा चौड़ा है, ये कम चौड़ा वाला है। और ये जैक देखिए, इस जैक को हम उसमें फंसा देंगे फिर हमारा टीवी ओके हो जाएगा। फिर जैसे खोले हैं उसी हिसाब से प्रकार से अच्छे से उसको हम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो बैकलाइट स्ट्रिप है ये देखिए थोड़ा चौड़ा है, वो जो था ये देखिए 6 एलईडी 3 वोल्ट है। तो ये लगभग लगभग तो इसका जो एलईडी लगा हुआ है सेम स्पेस पर लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है हल्का काटना पड़े इधर उधर, इसको हम चेक कर लें। ख़राब तो ऐसे निकलता नहीं है, फिर भी चेक करके लगाना चाहिए, क्या पता जब नसीब ख़राब होता है तो कुछ भी हो सकता है। ये देखिए ये सही है, ब्लॉक किया था अभी, ये देखिए ये सही है। कितना वोल्टेज बता रहा है, 17 वोल्ट। तो एक चीज़ और देखना होता है कि हमारा जो बैकलाइट जल रहा है वो सेम मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने भी इसमें जो बैकलाइट का एलईडी था थोड़ा इधर उधर था तो उसको काट के मैंने एडजस्ट किया है। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। और ये कनेक्टर जो है पहले वाला जो स्ट्रिप था उसका सप्लाई इधर था और इसका सप्लाई उल्टा था, तो मैंने वायर को इधर से उधर कर दिया फिर फंसा के। अब देखिए इसमें हम लाइट जला के देखेंगे जलता है या नहीं। तो मैंने इसको बैकलाइट टेस्टर से द्वारा इसमें फंसा दिया और अब आगे देखते हैं। टीवी चालू है, देखिए तीनों स्ट्रिप ग्लोइंग कर रहा है मेरा। तो अब इस पर हम अच्छे से जिस जिस चीज़ को निकाले थे फंसाएंगे, इसको मैंने फंसा दिया। थोड़ा सा स्काइप कर देते हैं वीडियो, क्योंकि अगर उसको फंसाएंगे तो फिर वीडियो कैसे बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा स्काइप कर देते हैं। फ्रेंड्स मैंने डिस्प्ले लगा दिया, देखिए चारों कोना पर देख लेना है कहीं निकला ना हो, क्योंकि ऊपर वाला कवर जब हम बैठाएंगे और उस पर प्रेस करेंगे तो कहीं क्रैक ना हो जाए ग्लास अगर ऊंच नीच रहेगा तो। तो ये सब ही देखना है। और चलिए अब हम इसको लगा देते हैं ऊपर का जो फर्स्ट कवर था, ये देखिए मैंने इसको लगा दिया। उसमें लाइन देंगे, लाइन देके देखते हैं पिक्चर बन रहा है या नहीं।
सभी को भी होता है कि बैकलाइट बदल दें। एक बार हुआ था फ्रेंड्स ऐसा मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम। तो चलिए अभी हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर दिए और इस पर कोई पिक्चर नहीं बना। तो फ्रेंड्स इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बैकलाइट का जो सॉकेट रहता है वो जैक मैंने फंसाया नहीं था तो मैंने फिर से फंसा दिया है। और अब देखते हैं, क्योंकि स्ट्रिप चेंज किए थे तो उसको निकाले हुए थे, चेक किए थे जिस टाइम। ये देखिए ये निकाले हुए थे इस जैक को, तो इस जैक को हम फंसा देंगे, उसके बाद फिर ट्यूब चलाएंगे तो चालू होगा। क्योंकि हम बैकलाइट तो पहले ही टेस्ट किए हैं, तीनों स्ट्रिप जल रहा था, तो कैसे इतना जल्दी ख़राब हो सकता है। फिर चलिए अब फिर से ट्यूब में लाइन देते हैं। देखिए स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे। ये बटन कभी कभी काम नहीं करता रहता है, तो तीन चार बार प्रेस करने पर करता है काम। देखिए किया काम, नहीं करेगा तो फिर शॉर्ट करेंगे बटन को। देखिए सेट मैक्स लिख से आ रहा है AV2। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। तो फ्रेंड्स थैंक यू।